आपका नाम क्या है जी? नमस्ते सर, मेरा नाम गिरीश पाटीदार है। गिरीश पाटीदार जी। हाँ, और ग्राम छोटा बड़दा, जिला बड़वानी, दक्षिण तट का रहने वाला हूँ। दिनांक 6 नवंबर को मैंने अपनी परिक्रमा मोटरसाइकिल से शुरू की थी मेरे गांव से, जो भी आज 2700 से 2800 किलोमीटर मेरी यात्रा जो है पूर्ण हो गई है। आज हमें 11वां दिन है और हमें जगह जगह रुकने की बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, लोग बहुत सेवा करते हैं, परिक्रमा में कोई समस्या हमें उत्पन्न नहीं हुई है और सारी व्यवस्थाएँ अच्छी मिल रही हैं। नर्मदे ये दो लोग हैं, एक ही मोटरसाइकिल में परिक्रमा कर रहे हैं, आप भी अपना थोड़ा बता दीजिए भैया। आप आशीष यादव लखन गांव से हूँ मैं भी इनके साथ में परिक्रमा में हूँ, लखन गांव से हूँ मैं। दोनों एक ही मोटरसाइकिल पे हैं? हाँ, एक ही मोटरसाइकिल, दोनों एक ही मोटरसाइकिल पे। मैं थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा बोल दीजिए, जो आपने बोला था ना, कोई तकलीफ नहीं है, खाने पीने का सब अच्छा व्यवस्था, रहने का मिल जाता है, तो ये भी बोल दीजिए। तो बोलो। हाँ जी, नर्मदा परिक्रमा में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि खाने की कोई दिक्कत नहीं आई, जहाँ भी रुके वहाँ पर खाने की सारी अच्छी व्यवस्थाएं मिली, रुकने के लिए सारी अच्छी व्यवस्थाएं मिली, न तो रास्ते में कोई तकलीफ हुई, न कोई दुर्घटना हुई, ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ, बीमार भी नहीं हुए हैं। प्लस उसके बाद में कुछ जिलों में बहुत ज़्यादा ठंड थी, जैसे अनूपपुर हुआ, डिंडोरी हुआ, मंडला हुआ, वहाँ पर एक दिन मैंने सोचा कि माता जी मुझे गर्म पानी जो है वो नहाने के लिए मिल जाए, तो अगले दिन ही मुझे गर्म पानी की व्यवस्था हो गई। तो ऐसे कई अनुभव हुए, एक जगह मैं गिरते गिरते जो है बचा, ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, अनुभव हुए जो मुझे परिक्रमा के दौरान हुए। और उसके अलावा कोई तकलीफ भी नहीं हुई, कोई न तो कोई तकलीफ हुई, न दुख दर्द हुआ, कुछ भी नहीं। और आज मेरी यात्रा 2-3 दिन में सम्पन्न होने वाली है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप परिक्रमा करने में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट न रखें, और अगर आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर परिक्रमा। नर्मदे नर्मदे